गुड मॉर्निंग। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कंपनी के केस में आता है, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस केस में दो पार्ट आता है, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस, इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो देखते हैं इसमें क्या बोला जाता है। अ पब्लिक हैविंग शेयर कैपिटल एंड विच इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इस शेयर और डिवेंचर कैन नॉट स्टार्ट एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंटिल इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऐसा कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक को ऑफर करता है शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए, अपना बिजनेस तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। नंबर वन, अ कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 मंथ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस शुरू करने के 120 दिन के अंदर यानी 4 महीने के अंदर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट वैल्यू ऑफ इज द शेयर टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाई हिम फॉर विच ही इज लाइबल टू पे इन कैश और सेम प्रोपोर्शन। नंबर थ्री, देयर हैज बीन फिल्ड विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लारेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 एंड 2 हैव बीन कंप्लाइड विद। ये है आपका सेक्शन 11 में जिसको फॉलो करना है पब्लिक कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक के लिए। इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, इफ द पब्लिक कंपनी हैज नॉट इशूड टू द पब्लिक प्रोस्पेक्टस देन टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर ए, अ स्टेटमेंट इन लिव ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार। नंबर टू, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट फॉर द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाई हिम फॉर विच ही इज लाइबल टू पे इन कैश द सेम प्रोपोर्शन एज इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बाई द शेयर होल्डर। Then the third one is, there has been filled a declaration with the registrar by the director or secretary that the condition 1 and 2 have been complied with. After fulfilling all the formalities, the registrar will issue a certificate of commencement of business. Such a certificate is conclusive evidence that the company is entitled to commence its business. So, ye tha mera ek chota sa video commencement of business ke upar. Thank you.